दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी अभी देख सकते हैं सुबह का 7 बज गया है और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा सोच करके बाहर निकले हैं ना भाई कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है और हमारे भारत देश में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसके लेकर कुछ मैं बात करने वाला हूँ। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय होगा। अजय भैया है तो मेरा कहना यह है कि 2024 में आपके अनुसार किसका मतलब वोटिंग मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए कि कांग्रेस को मिलना चाहिए? वोट तो बीजेपी को ही जाएगा लेकिन हम लोग को सहारा वाला पैसा मिलना चाहिए भाई। इनका कहना नाम है कि वोट बीजेपी को ही मिलेगा लेकिन सहारा वाला पैसा मिलेगा, तब अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो क्या करना होगा आपको? दूसरा के बारे में सोचेंगे, हर जगह तो हम लोग को फंसाया जा रहा है इसी तरह से, जुमला दे रहे हैं लोग और कुछ काम हो ही नहीं रहा है। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होता है ये नहीं है। बोला गया था कि 90 दिन में पैसा मिल जाएगा, आज 150 दिन हो गया, 1 रुपये का आता पता नहीं, ऑनलाइन किए हुए हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि सहारा जो एक ऐसा मतलब पैसा जमा लेता था और डबल करके देता था, जो कि आज भारत देश से कहीं दूर चला गया है, किसी को पैसा मिल नहीं रहा है, उसके लेकर ये थोड़ा सा उदास है। तो थोड़ा सा मोदी जी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका क्या कहना है कि बीजेपी को वोट मिलना चाहिए कि कांग्रेस को मिलना चाहिए? अभी वोट के बारे में तो हम बात अभी नहीं कर सकते हैं जी। पहले जब तक सहारा इंडिया का पेमेंट नहीं होता है उसके बाद ही सोचेंगे क्या होना है और क्या नहीं होना। अगर मान लीजिए कि बीजेपी सहारा इंडिया का पैसा दे देता है, फंडिंग दे देता है, तो आप उसका मतलब क्या राय विचार आपका रहेगा उस पर? जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि शुरू से हम बीजेपी के ही आदमी हैं और बीजेपी के ही वोट देते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मतलब सोच रहे थे कि जनगणना करने के लिए कि इन लोग का मतलब इतनी ही भीड़ में मतलब क्या किस पे क्या विचार हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मुद्दा सहारा को लेकर उठाया जा रहा है क्योंकि सभी गरीब मजनून जो भारत के हैं हर कोई सहारा में पैसा जमा किए थे एक आस लेकर के, और इन लोगों को वो आस को है ना भाई दबाया गया है। तो मुद्दा तो उठेगा भाई, लेकिन एक चीज अभी देख रहे थे कि हाल ही फिलहाल में वर्ल्ड कप जो आप पूरा दिखा सकते हैं घुमा करके, अभी देखे कि वर्ल्ड कप जो भी हुआ भारत में और भारत हार चुका है। तो अभी राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अभी बोल रहे थे कि मोदी जी पनौती हैं, तो उस पर लेकर थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी पनौती थे इसीलिए हार गए क्या? नहीं नहीं, इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। प्रॉपर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं जज किया जा सकता है कि वो पनौती है इस कारण से मैच हारा है। इसमें टीम के भी कुछ कमी है, इस कारण से भी मैच हारा गया। तो राहुल गांधी तो बोल रहे थे कि मोदी जी पनौती है। एक व्यक्ति कहने से कोई पनौती नहीं हो जाता है, वैसे कोई बात नहीं। तो आपके आपके अनुसार क्या लग रहा है कि बीजेपी सही रहेगा कि कांग्रेस सही रहेगा? तो बीजेपी सही है ही अपने जगह पर, कांग्रेस तो बेहतर है, अभी भी उसकी वोटिंग उससे ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है। आपके अनुसार बीजेपी सही है तो क्यों सही है, कुछ आप बतलाना चाहेंगे? बीजेपी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, इतने सारे जो योजनाएं हैं जो हमारे धरातल पे लाई हैं वो सब बीजेपी की ही है। कुछ काम आप बता सकते हैं हम लोग को? अभी चल रहा है जन आरोग्य योजना है, जनधन है, ये सब है, बहुत सारे हैं। आप भी बीजेपी के बारे में जो काम किया है उसके बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे? बोल करके पीछे हट जाते हैं लोग, यही गड़बड़ जी जी 90 दिन बोला गया था कि पैसा मिल जाएगा, 150 दिन हो गया, कुछ पैसा का था पता नहीं, बोलने से थोड़ी होगा, खारी सरकार नहीं चलेगा ना। तो देख सकते हैं हर जगह जो भी लोग हैं यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सहारा इंडिया का पैसा अगर मिल जाए ना भाई तो बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता है। तो चलिए कई और लोगों से मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को राय विचार रखने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर।